सिकंजे में ठग एसबीआई बैंक कर्मचारी बन लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 7 फोन, 33 सिम कार्ड और 38,000 रुपए बरामद। एसबीआई बैंक कर्मचारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड और 38,000 रुपए और 1 प्रिंटर, 2 लैपटॉप भी बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान शिवम, अभिषेक, गंजा, चंदन, रंजीत कुमार, विवेक कुमार के रूप में हुई है। आरोपी शिवम सताई रूप से उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गांव बरबा अलग रहने वाला है। वर्तमान में वह दिल्ली के तूड़ा मंडी नजफगढ़ में रहता है, जबकि अभिषेक उप गंजा मूल रूप से गुड़गांव के बादशाहपुर का रहने वाला है। आरोपी चंदन बिहार के सीतामढ़ी, रंजीत कुमार और विवेक कुमार बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने बल्लभगढ़ के गांव गढ़खेड़ा निवासी सुनील के क्रेडिट कार्ड से करीब 1,23,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। बल्लभगढ़ के ही सेक्टर 2 निवासी राजेंद्र कुमार के साथ 1,998,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी जस्ट डायल से इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड धारकों का डाटा खरीदते थे। क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन करने से क्रेडिट कार्ड से कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते थे, जिसे कैशबैक या कोई अन्य सामान खरीदने में उपयोग में लाया जाता था। इसी का फायदा उठाकर आरोपी क्रेडिट कार्ड धारकों को फर्जी लिंक भेजते थे और उन्हें रिवार्ड पॉइंट कैश कराने का लुभावना ऑफर देते थे। पति को भेजा पत्नी के दुष्कर्म का वीडियो। 5 दिन पहले हुई थी शादी। क्लिप देख छोड़ाया मायके, बोला मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हरियाणा के पलवल में युवती की दुष्कर्म की वीडियो बनाकर उसके पति को भेजकर शादी तोड़वाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत महिला पुलिस थाने में दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 महिलाओं सहित 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच अधिकारी सुमित्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नवविवाहिता ने शिकायत दी है कि बीती 6 मार्च को उसकी शादी फरदाबाद निवासी एक युवक के साथ हुई थी। शादी वाली रात ही सचिन नामक युवक ने उसका दुष्कर्म का वीडियो बनाया और उसके पति को भेज दिया। वीडियो को देख पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि अक्टूबर 2021 में वह अपने चाचा के घर पर अकेली थी। उसी दौरान सचिन 2 अन्य युवकों को साथ लेकर उनके घर में घुस गया। इस पर जब उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने मुंह को कपड़े से बांध दिया और फिर अंदर कमरे में ले जाकर उसके साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके साथ मौजूद युवकों ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली और किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की वह वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। 4 साल बाद केजीपी पर इंटरचेंज बनाने का रास्ता हुआ साफ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी केजीपी पर गांव के पेलक के समीप इंटरचेंज बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इंटरचेंज के लिए अधिग्रहित 7.5 एकड़ जमीन का अवार्ड जल्दी घोषित होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जून माह तक इंटरचेंज का कार्य शुरू करने का दावा किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में हरी झंडी दे दी है। इंटरचेंज से बनने से भारी वाहन चालकों को राहत मिलेगी, वहीं शहर भी जाम और प्रदूषण मुक्त रहेगा। दरअसल परवल से कुंडली सोनीपत तक 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 27 मई 2018 को बागपत से किया गया। केजीपी के निर्माण के दौरान ही पलवल अलीगढ़ रोड पर पूर्व मंत्री करण दलाल द्वारा इंटरचेंज बनाने की मांग की गई थी। उटावड़ थाना पुलिस ने मलाई गांव के बस अड्डे के निकट सरेआम शराब पीने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस गश्त के दौरान मलाई गांव के बस अड्डे के निकट से मलाई गांव के ही रहने वाले आरोपी सईद को सार्वजनिक जगह पे शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पलवल देश के ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो यूरिया तरल उपयोग बढ़ाने हेतु सरकारी सम्मेलन का आयोजन, कृषि बागवानी व सहकारी विभाग भी शामिल। जानकारी देते हुए बताया गया कि इपको के तरफ से दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया तैयार किया गया है, जिसको लेकर सरकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया और जानकारी दी गई कि बागवानी और फसलों में किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है।